विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने पर मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों को किया डिफॉल्टर घोषित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल नियुक्ति नहीं होने पर मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इसमें कई सरकारी एवं कई निजी विश्वविद्यालय है, जिसमें ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जबलपुर की मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय है। यह संयोग है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय के लिए विश्व संगीत दिवस के मौके पर ही डिफॉल्टर घोषित किया गया है। हालांकि संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि हमारे यहाँ लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि हमने लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। यूजीसी ने मध्य प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ ही 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी डिफॉल्टर घोषित किया है। इसमें आर्यावर्त यूनिवर्सिटी सीहोर, LNCT विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी इंदौर, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, श्री वैष्णव विद्यापीठ विद्यालय इंदौर, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी नीमच, JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल और अमलतास यूनिवर्सिटी देवास है। बता दें कि देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यालयों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। UGC ने विद्यालयों की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण विनिमय 2023 को अधिसूचित कर दिया था। इसके तहत प्रवेश संबंधी गड़बड़ी, फीस सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न परीक्षा संचालन में अनियमितता, छात्रवृत्ति दाखिले को लेकर गड़बड़ी, आरक्षण नियमों का पालन न करना जैसी अन्य शिकायतों पर अब 15 कार्य दिन में सीमित को रिपीट करने और निपटारा करने का दायित्व लोकपाल का होता है।